हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला विद ग्रेवी। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल लेंगे और 2 चम्मच बेसन डालकर उसे अच्छे से भूनेंगे। जब बेसन भून जाएगा तो उसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा दही लेंगे, उसमें हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक, भुना हुआ बेसन, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और पनीर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें जीरा डालेंगे, उसके बाद उसमें कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, कटे हुए टमाटर, लहसुन, थोड़े से काजू डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 5 मिनट इसे ढक कर पकने देंगे। जब ये पक जाएगा इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें रायजीरा डाल के इसे तड़काएंगे, तिल्ली सौंफ डालेंगे और हमारी पीसी हुई ग्रेवी है वो ग्रेवी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके उसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डालेंगे। ये हमारा पनीर टिक्का रेसिपी बनकर तैयार है। अब आप इसे सर्व करें। थैंक यू सो मच।